बेटा, तुम्हारी मम्मी और तुम्हारी बुआ इतनी दूर से हमसे मिलने आए, वही हमारे लिए बहुत है। ये इतने तोहफों की क्या जरूरत थी? लल्ला की बहू, लल्ला की बहू, तुम्हारी माँ और बुआ मुंबई में कितने दिन है? ताई जी, उनकी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, तो बस थोड़े दिन और रहेंगी। अच्छी बात है। वैसे समधन जी ने इतने सारे तोहफे लाके बहुत तकलीफ उठाई है, हमें भी उनके लिए कुछ देना ही होगा ना। शादी जैसी भी हुई हो, शगुन तो देना ही है। बहू, अपनी माँ और बुआ की पसंद के तोहफे लेने में तुम मेरी मदद करना। माधवी को कहीं बाहर जाना है, ठीक है? जी ताई जी। अच्छा हुआ तुम हो मुझे अपनी माँ और बुआ की पसंद बताने के लिए। पर बेचारे समधन जी, उन्होंने तो दिल खोलकर पैसे खर्च किए होंगे, अपने जेब से बढ़कर। तो ये सब, लेकिन हमारी पसंद उन्हें नहीं पता, तो ये सब यूं ही ना। बहू, दिल छोटा ना करो, मैं पहन लूंगी किसी दिन, ऐसे ही बेकार थोड़ी ना जाने दूंगी। मैं नीचे जाती हूँ, साड़ी और गहने वाले आते ही होंगे। मैं, तुम भी जल्दी आ जाना बेटा। मेहर बेटा, तुम्हारी मम्मा ने जो सूट मुझे दिया ना, वो बहुत प्यारा है। उन्हें जरूर बताना कि मुझे बहुत अच्छा लगा। ये वाला तो हाँ, वो तो ठीक है, बट इस पे ज्यादा और भी अच्छा होना तो बेहतर होता ना। अच्छा हुआ लल्ला की बहू जो तुम यही हो, देखो तो कितनी अच्छी साड़ियां मिल गई तुम्हारी माँ और बुआ के लिए। बस अब एक अच्छा सा नेकलेस पसंद कर लो। दिखाओ इन्हें। ये लीजिए, ये लीजिए, और भी अच्छी अच्छी डिजाइन है। दिखाइए दिखाइए, ये देखिए। बहू, ये तो पहन के दिखा ना, बिना देखे समझ में नहीं आता, देखते हैं उन पे कैसा लगेगा। हाँ, बहुत सुंदर लग रहा है। ये वाला आप पैक कर दो। अच्छी बात, अच्छे से पैक कर देना। हाँ जी, चलो हो गई खरीदारी, बिल दे दीजिए। ये लीजिए, मैं अभी चेक लेकर आती हूँ। ओह माय गॉड, मैं तो भूल ही गई, मेरा चेकबुक खत्म हो गया है और माधवी भी घर पे नहीं है, और वो कार्ड वार्ड का चक्कर मुझे समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेहर बेटा, कुछ पैसे हैं तुम्हारे पास, हम तुम्हें बाद में दे देंगे। बिल का टोटल अमाउंट तो उतना ही है जितना मेरे अकाउंट में रखा है, और माँ और बुआ को भी देना था। क्या हुआ बहू, कोई परेशानी है देने में? मैं जल्दी दे दूंगी। बहू, कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा है हम तुम्हारे पैसे लेके भाग जाएंगे? नहीं ताई जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं चेकबुक लेके आती हूँ। ठीक है। अच्छे से पैक करना सब। ओके जी, करता हूँ।
बहन जी ये एक और आपके लिए। इतना सब कुछ अच्छा नहीं लगता बेटी के ससुराल से ये सब लेना। अरे हम क्या सिर्फ आपकी बेटी की सास है, आपकी कुछ नहीं? अरे ये सब बोरिंग बातें छोड़िए, इसे खोल के तो देखिए। क्या बात है, पता है इसे बहन के मेहर की मम्मी नहीं लगेगी, इसकी बहन लगेगी। सच बहुत प्यारी है सारी बहन जी। सचमुच हमारी मेहर बहुत ही भाग्यशाली है, इसको इतना अच्छा ससुराल मिला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया मुझे नहीं, अपनी मेहर को दीजिए, ये सारी उसी ने तो पसंद की है आपके लिए। हाँ मैं तो कहती हूँ आगे जब भी आप हमारे लिए कुछ भी खरीदने का सोचे तब आप मेहर की सलाह लीजिए। हाँ आपसे अच्छी पसंद है आपकी बेटी की, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेहर को मेरी पसंद और नापसंद के बारे में अच्छी तरह पता चल गया होगा। हाँ लेकिन आप नहीं जान पाई मुझे अब तक। हाँ अरे ये तो मजाक था, मैं मजाक कर रही थी, आप तो गंभीर हो गई। हाँ हाँ ये लो बेटा। ताई जी आप ही दे दीजिए ना। हाँ हाँ तो अपने हाथों से ही तो दे रही हूँ। अरे ये तुम्हारे लिए है। हाँ ताई जी ये मेरे लिए। अरे क्यों नहीं, मेरा मन किया अपनी बहू के लिए कुछ लेने का, और तुमने ही सबके लिए गिफ्ट चुनने में मेरी मदद की, और तुम्हें ही कुछ नहीं, ये तो हो नहीं सकता ना। हाँ अच्छा ताई जी सबके लिए सब कुछ और मेरे लिए कुछ नहीं। हाँ अरे अपने लिए गिफ्ट तो तू पहले ही ला चुका है। मेहर लो बेटा। अपना गिफ्ट खोलोगी नहीं? हाँ बेटा खोल दे, कितने प्यार से दे रही है वो, ये उनका आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। याद है ना ये हार, तुमने तो पसंद किया था। वेरी स्मार्ट ताई जी, बिल्कुल मेरे पे गई हो आप। क्या हुआ बेटा? नहीं तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया? मुझे तो लगा था तुम्हें यह हार बहुत पसंद आया था। मेरे भाई के बेटे की शादी है अगले हफ्ते, मैं चाहती थी कि तुम उस शादी में कुछ अच्छा पहनो। मेरा ये हार छोड़ के तुम्हारे बाकी सारे गहने बहुत हल्के से है ना। जी कुछ पूछ रही है ना। थैंक यू ताई जी, बहुत अच्छा है ये। चलो मेरी मेहनत सफल हो गई, सबको अपने अपने तोहफे अच्छे लगे, मन एकदम खुश हो गया। हाँ
अब देखती हूँ तुम कैसे मदद करती हो अपनी माँ और बुआ की। बहुरानी, क्या हुआ? नहीं, परेशान क्यों लग रही हो? कुछ नहीं। देखो, झूठ बोलने की गलती मत करना वरना मैं आजाद बाहर जाके सो जाऊंगा। बोलो अबीर, वो मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, तुम्हारे पास होंगे? हाँ, कितने से? ये कुछ 1,10,000। इतने पैसे अचानक से, मतलब क्यों, क्या हुआ? वो तुम्हें याद है ना, हमने एजुकेशन लोन लिया था माँ और बुआ ने मेरे लिए। बुआ हर महीने तो पे कर देती थी इंस्टॉलमेंट, लेकिन पिछले 2 महीने की नहीं कर पाई क्योंकि शादी की ये सब तैयारियाँ और गिफ्ट्स देना ये सब में नहीं हो पाया। वैसे मेरा एजुकेशन लोन है, मुझे खुद ही पे करना चाहिए, लेकिन ठीक है, तुम्हारा लोन है, तुम पे कर देना, कोई इशू नहीं। अभी मेरे पास इतने नहीं है, मैं डैड से लेके दे देता हूँ, हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, तुम पापा से नहीं लोगे, पापा से कोई फेवर्स नहीं। चल, ताई से ले लूंगा, मुझसे बहुत प्यार करती है, एक बार भी मना नहीं करेगी, दे देगी। नहीं अभी देखो, हम हस्बैंड वाइफ हैं और मैं तुमसे फेवर्स ले सकती हूँ, लेकिन अपना एजुकेशन लोन चुकाने के लिए मैं तुम्हारी फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करना चाहती, ये ठीक नहीं है मुझे। मेहर, ये सब कुछ तुम्हारा है, इट्स नॉट तुम्हारा मेरा, इट्स हमारा, है ना? तो इतना मत सोचो यार, इट्स ओके। और ये तुम्हारे अंदर जो फुदकते रहते हैं ना मोरालिटी के, वो उनको थोड़ा साइड रखो, ओके? अबीर, भाई आप, अरे बेटा, मैं यहाँ से जा रही थी तो देखा दरवाजा खुला है तो मैं अंदर आ गई। कोई बात नहीं, मैं बाद में आ जाती हूँ। नहीं भाई जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, ले लूँ क्या आपसे? अरे लल्ला, मुझे जब भी जरूरत पड़ेगी, मैंने कभी पैसे के लिए मना किया है क्या? हाँ, लेकिन माफ करना, मैं यहाँ से जा रही थी तो मैंने तुम्हारी कुछ बातें सुन ली। और सच कहूँ, आज मेरी खुशी दुगनी हो गई है, तू बहुत अच्छी और समझदार बहू घर लाया है। तेरी बहू की नजर तेरी दौलत पे नहीं, पर उससे कहीं बढ़कर है। बेटा, आज मुझे ऐसा लगता है कि तूने ऐसी बहू लाकर बहुत अच्छा फैसला किया है। शादी जैसे भी की, पर जिससे की वो बहुत ही दमदार है। अपने उसूलों में, अपने इरादों में। और लल्ला, तुम्हें इसकी खूबी की इज्जत करनी होगी। मेहनती लोग कभी किसी का बैठ के नहीं खा सकते, और उधार भी बड़ा सोच कर लेते हैं, तो खैरात तो भूल ही जा। कितनी संस्कारी है, शादी के बाद भी अपनी माँ और बुआ की तकलीफें कम करना चाहती है। बहुत ही बड़ा दिल है इसका। लल्ला की बहू, तुम्हें अपनी माँ और बुआ की मदद करनी है ना? हाँ, तो आओ, चलो मेरे साथ आओ। मैं भी आता हूँ। देवर जी, मुझे बताइए, हमारी कंपनी में, मतलब आपकी कंपनी में कितने लोग काम करते हैं? क्यों नहीं बताइए ना? कोई 5,000-6,000 काम करते होंगे। और इनमें से कितने लोग अपने रिश्ते नातों में से हैं? आप ये सब पूछ क्यों रही हैं? ऐसा कोई नहीं है, सब एम्प्लॉयड हैं। बात क्या है? देखो, अपने घर में इतनी होनहार बहू है जो काम जानती है, संभाल भी सकती है, उससे आप भुलाए बैठे हो। याद है ना, आपने ही कहा था कि इसी लड़की ने आपसे भी ज्यादा नंबर लाए थे कॉलेज में। ओफो देवर जी, घर में इतनी होनहार बहू है तो बाहर वालों से पहले इस पे जिम्मेदारी डालो, इसे अपनी कंपनी में काम दो। नहीं ताई जी, इस सब की जरूरत नहीं है। देख रहे देवर जी, कितनी खुददार बहू है हमारी। लो, मैं भी ना खुद ही इसके हाथ बांध के रखे घर के कामों से, और खुद ही इसे काम करने के लिए बोल रही हूँ। नहीं ताई जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आपने मेरे हाथ नहीं बांधे हैं, मैं खुद जिम्मेदारी लेना चाहती हूँ, घर के कामों में आपका हाथ बटाना चाहती हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम आजाद रह के अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी करो। अब से तुम्हें घर की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
मैं और माधवी सब कुछ संभाल लेंगे। पर ताई जी, बहू मैं कुछ दिनों में तुम्हें इतना तो जान गई हूँ, कुछ भी हो जाए पर तुम मुझसे या अपने ससुर से कोई मदद कभी नहीं लोगी। एक खैरात या दया के जैसा है ना? तुम्हें खैरात नहीं दी जा रही बहू, ये हक है तुम्हारा, तुम्हारी काबिलियत का। और तुम्हें एक अच्छी बहू का ही नहीं, एक अच्छी बेटी का भी तो फर्ज निभाना है ना। शादी के बाद अपनी माँ से रिश्ता और गहरा नहीं करना। तो बताइए देवर जी, है आपके ऑफिस में मेहर के लिए कोई जगह? माय गॉड ताई जी, अब मास्टर ब्लास्टर हो, पता है आपने एक झटके में सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। चलो मेहर, कल तुम्हें काम पे भी जाना है ना, जाके आराम कर लो अभी, ठीक है? ताई जी, थैंक यू सो मच, आपने मेरे बारे में इतना सोचा, थैंक्स। चल। वाह वाह, क्या बात है, इस लड़की को हम अमीर की जिंदगी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसे घर में ही नहीं बल्कि आप ऑफिस में भी जगह देना चाह रही हैं। देवर जी, ये दाव मैंने बहुत सोच समझ के खेला है। इस उम्र में प्यार बुलबुले की तरह होता है, थोड़ी सी हवा चली कि बुलबुला फूटा, बस हम यही काम करने वाले हैं। आप उसे काम में इतना बिजी रखिए कि उसके पास अबीर के लिए क्या, अपनी खुद की जिंदगी सवारने के लिए भी वक्त ना हो। देवर जी, हमारी लल्ला में बहुत बचपना है, ऊपर से कोई काम काज होता नहीं उससे। जब हर जगह बीबी की वाह वाह और पति को काम समझाया जाएगा तो मर्द की ऊंची नाक बीच में आ ही जाएगी और इन दोनों का रिश्ता कुछ ही दिनों में उफान बनके ठंडा हो जाएगा। कहते हैं ना, जोड़िया ऊपर से बनके आती है। आने दो, आने दो, हम नीचे वाले बैठे हैं ना उसे तोड़ने के लिए। अरे आग लग गई क्या घर में? फायर अलार्म बंद करो यार। गुड मॉर्निंग राजू दादा, मैं पोहा रोज रेडी कर देती हूँ, ठीक है? आप उसी वक्त गरम कर देना, और पापा के लिए एग्जो टोस्ट बनाना है वो उसी वक्त बनेगा, और हाँ लो फैट वाला मक्खन यूज करना, नॉर्मल वाला वो खाते नहीं, ठीक है? मैम प्याज कितना डालूं? बस 3 काफी है। पनीर लिया ना, ठीक है? धनिया, आपकी प्रजा आपके भवन में नहीं ऑफिस में काम कर रही है, प्लीज गले को आराम दें। पूरा फिनिश करना है, एक बूंद भी नहीं बचानी, एंड आई लव यू। मैं तो अभी से बहुत मिस कर रहा हूँ। मिस यू टू बेबी।
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।